व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है पेरेंट्स के लिए है, स्पेशली फॉर मॉम्स, क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मेरा बेबी का वार्डरोब के बारे में, जो उसका कुछ आइडियाज जो मैंने उसके कैसे अरेंज करके रखा हुआ है नीटली एंड स्मार्टली। क्योंकि बेबीज का जो ड्रेसेस होता है बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही छोटा छोटा होता है। अगर हम लोग उसे अरेंज करके नहीं रखेंगे तो हमें इजिली नहीं मिलेगा। कुछ कुछ कपड़ा होता है जैसे कि फ्रॉक्स और कुछ लॉन्ग टाइप का ड्रेसेस होता है, छोटा छोटा भी ड्रेसेस होता है, उसे हम लोग कैसे अरेंज करके रखेंगे मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसका कुछ आइडियाज। अगर मेरे वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल में, आप लोग न्यू हो तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरे जो आगे आने वाले कुछ कुछ नए वीडियोज जो आने वाला है आएगा तो आप लोगों को कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। तो पहले सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरे बेबी का वार्डरोब जो कि मैंने लिया हुआ था। आप देख सकते हो ये 3 डोर वाला है जो कि मैंने लिया हुआ था पेपर फ्राई से, ऑनलाइन से लिया हुआ था। और ये वाला कपबोर्ड जो है इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। ये वाला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्ट्रांग भी है। तो चलो ये रहा इसका ड्रेसेस सेक्शन। ड्रेस तो ये आप लोग देख रहे हो ऊपर मैंने बहुत सारे ड्रेसेस उसका, जो वाला ड्रेस लॉन्ग है ये वाला ड्रेसेस मैंने ऊपर रखा हुआ है इस टाइप का, जैसे कि कुछ फ्रॉक्स वगैरह आप लोग देख सकते हो। ये जो फ्रॉक्स आप लोग देख रहे हो ये बहुत सारा फ्रॉक्स है, ये सेक्शन मैंने ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ है। ये वाला पार्टी वेयर फ्रॉक ड्रेसेस है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये वाला जो है यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे लॉन्ग टाइप का ड्रेसेस जो ये देख रहे हो आप लोग, इस टाइप का ड्रेसेस मैंने रखा हुआ है। आप लोग देख लो आराम से ये वाला जो सेक्शन है। और इस टाइप का अगर आप लोगों के पास हैंगर होगा ये वाला ड्रेस के साथ मिल जाता है, अगर आप लोग कुछ भी ले लो, क्योंकि यहाँ ये वाला हैंगर में आप एक साथ में दो ड्रेसेस ऐसे रख सकते हो। ये वाला आपको आराम से मिल जाएगा मॉल में अगर आप लोग इस टाइप का ड्रेस लेते हो तो। और यहाँ पे भी ये टाइप का भी एक है, ये टाइप का एक है। यहाँ पे ये हैंगर में 3 ड्रेसेस आ जाता है, 3 ड्रेसेस। तो इस टाइप का मैंने कुछ रखा हुआ है ये वाला ऊपर सेक्शन में। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि मेरे बेटी के साउंड है ये। तो ये वाला जो सेक्शन आप लोग देख रहे हो इसके सिर्फ ठीक नीचे ही यहाँ पे मैंने बॉक्सेस यूज किया हुआ है, क्योंकि बॉक्सेस में आपका जो बेबी का इतना छोटू छोटू सा कपड़ा होता है ना, जैसे कि सॉक्स वगैरह, इतना क्यूट सा होता है ना, ये आराम से आ जाएगा। ये वाला बॉक्सेस में मैंने ये कुछ रखा हुआ है, जैसे कि ये वाला उसे कुछ बूटीज रखा हुआ है, बहुत सारे सॉक्स वगैरह उसका है क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है, तो ये वाला मैंने रखा हुआ है। उसके ठीक साइड में ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसके बॉक्स में कुछ ऐसा उसका रूमाल रखा हुआ है बेबीज का, डेली ये यूज करती है तो ये वाला रखा हुआ है। उसके ठीक साइड में ये रहा उसका बाथ टॉवल्स जो कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है जो कि मुझे बहुत इजी लगता है। और ये साइड में उसका कुछ टॉप का हेयर बैंड है उसका, जो कि अभी तो उसका सेक्शन मैंने बनाया नहीं है अभी तक, क्योंकि वो इतना बड़ी भी नहीं हुई है ना, तो इसीलिए। तो ये रहा इसका कुछ क्यूट सा हेयर बैंड जो कि यहाँ पे है, उसके ठीक ऊपर ही मैंने ये सब कुछ इसके रखा हुआ है। उसके बाद आएंगे ये वाला सेक्शन, ये वाला उसका सब कुछ डेली यूज का है जो कि मैंने आप लोग देख सकते हो 4 ही सेक्शन में मैं उसे डिवाइड करके रखी हूँ। एक वाला है ये टाइप का, ये वाला वो नाइट में बहुत पहनती है तो ये टाइप का कुछ ड्रेसेस आता है, तो ये वाला एक सेक्शन है जो कि ये मैंने रखा हुआ है। उसके बाद उसके साइड वाला ये जो है यहाँ पे भी कुछ ऐसा जैसे देखो टॉप शॉर्ट्स वगैरह इस टाइप का कुछ मैंने रखा हुआ है। ये वाला जो मेरा बेटी है उसका नाइट ड्रेस है ये, और ये बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही छोटू सा है तो इसीलिए मैंने इसके यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये वाला फ्रॉक्स का है, ये डेली फ्रॉक्स है मेरी बेटी का, तो ये वाला है कुछ इस टाइप का। बहुत सारा फ्रॉक्स मैंने यहाँ पे नीचे करके ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ पे ये सेक्शन जो देख रहे हो आप लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप का ड्रेसेस रहता है, हर ड्रेसेस को मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है इस टाइप का। ये भी सब कुछ प्यू का नाइट ड्रेसेस है, प्यू मीन्स मेरा बेटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये वाला भी उसका, ये भी सारे ड्रेसेस को मैंने ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ है क्योंकि कोई भी ड्रेस मिक्स होके नहीं रहा है, अगर डिवाइड करके रखोगे तो अच्छे से रहेगा। तो उसके साइड में ही ये वाला बॉक्स मैंने रखा हुआ है, मैं ये साइड में चली जाती हूँ, क्लियर देखेगा आपको। तो ये वाला जो सेक्शन है
यहाँ पे मैंने उसका कुछ कैप्स रखे हुए हैं, ये वाला देख सकते हो विंटर के टाइम में ये जो कैप सेक्शन है, और कुछ विंटर के पहनने के लिए उसका जो स्वेटर वगैरह मैं यहाँ पे रखती हूँ, सब कुछ विंटर वाले ड्रेसेस में। ये वाला न्यू आर्ट करके किया है मैंने, ये वाला देख सकते हो, और ये वाला विंटर का सब कुछ मैं यहाँ पे सेट करके रखती हूँ, विंटर वाला ड्रेसेस यहाँ पे रहता है। उसके ठीक नीचे ही आप लोग देख सकते हो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेकंड वाला, यहाँ पे रहता है उसका दो डायपर बैग्स है, और ये रहा उसका एक जो बचपन में छोटी थी 1 मंथ के लिए मैंने उसके लिया था स्लीपिंग बैग, तो ये वाला यहाँ पे है, ये वाला सेक्शन में मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ। और ये वाला जो सेक्शन आप लोग देख रहे हो, ये वाला सेक्शन जी यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे है उसका ब्लैंकेट्स, ऐसे देख सकते ब्लैंकेट्स, और उसका कुछ मैट वगैरह यहाँ पे भी है, ऐसा कुछ कपड़ा मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। और ये वाला भी देख सकते हो, ये कभी पीयू बाहर जाती है तो ये मैं यूज करती हूँ, इस टाइप का मैंने कुछ यहाँ पे, ये भी विंटर के लिए उलेन वाला मैंने कुछ यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। मैंने उसके नीचे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही कम यूज होता है, कभी कभी निकलता है, तो इसलिए मैंने इसे नीचे रख दिया। और बैग्स वगैरह जो डायपर बैग मैंने इसके यहाँ पे रख दिया, ये वाला सेक्शन यहाँ पे है। अभी चलते हैं ये वाला सेक्शन में, ये वाला, तो यहीं पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो सेक्शन है ये ड्रेसेस का नहीं है, ये उसका डायपर्स, जैसे कि उसका क्रीम्स वगैरह, उसका खाने पीने का जो बॉल्स वगैरह, ये सब यहीं पे रहता है। तो पहले वाला जो सेक्शन है ये पे आप लोग देख सकते हो, ये उसका डायपर सेक्शन है, जो कि हम लोग 2 मंथ्स के लिए हम लोग लेके आ जाते हैं और यहाँ पर सेट करके रखे हुए हैं। उस वाला जो सेक्शन है उसका, ये वाला का नीचे वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे क्या रहता है उसका जो यूज होता है जो डायपर, आप लोग देख सकते हो ये वाला डायपर जो यूज होता है, मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। उसके नीचे ही रहता है कुछ पेपर्स, आप लोग देख सकते हो, ये मैं पीयू के पोटी के टाइम में यूज करती हूँ, तो मुझे ईजी होता है फाइंड करने में, तो मैंने इसे यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा पीयू का, मतलब मेरी बेटी का मेकअप का सामान जो बोलूं, तो यहाँ पे है शैम्पू और उसका बॉडी वॉश और रास क्रीम, बॉडी लोशन और इसका मसाज ऑयल पाउडर वगैरह यहाँ पे है, और इस टाइप का कुछ कॉम्ब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे भी उसका नेल कटर, सब कुछ यहाँ पे मैंने सेट करके रखा हुआ है, ऐसे बॉक्स में मुझे इजिली मिल जाता है, तो मैंने इसीलिए उसके बॉक्स में रखा हुआ है। उसके ठीक पीछे ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उसका ये वाला वेट टिश्यू, तो बहुत ही चाहिए, तो ये भी मैंने 1 मंथ के लिए लेके यहाँ पे रख दिया है। ये वाला मैं बैक साइड में रखती हूँ क्योंकि मुझे ये इतना नहीं चाहिए, जो वाला यूज होता है वो ऊपर रहता है ऐसा, और ये वाला बैकअप के लिए है इसलिए ये पीछे रहता है। उसका ठीक जो नीचे वाला सेक्शन है ये वाला है पीयू का खाने पीने का सामान, मतलब कि इसका स्पून वगैरह, जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसका जो स्पून वगैरह यहाँ पे ये मेरे है, और ये जो ब्रश, इसका जो बोतल साफ करने के लिए ये वाला मैं यूज करती हूँ, ये भी यहाँ पे है। उसका ये जो देख सकते हो निबलर और बिप्स वगैरह भी यहाँ पे मैंने अरेंज करके रखा है, खाने पीने का ये है तो इसका बिप्स भी सब कुछ यहाँ पे रहता है, और उसका जो ये जो बाल्स वगैरह ग्लासेस, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके ठीक पीछे ही आप लोग देख सकते हो उसका जो बोटल्स, जो कुछ सब कुछ है बोटल्स वगैरह जो कुछ रहता है, तो ये मैंने इसका पीछे ही रखा हुआ है, और पीछे ही मैंने बैकअप के लिए उसका जो रास क्रीम रहता है और मसाज ऑयल, ये सब कुछ मैंने बैकअप के लिए मंगा के रखा हुआ है, तो ये भी मैंने यहाँ पे, इतना स्पेस नहीं है, जो कि यूज होता है यहाँ पे रहता है, और जो कुछ बैकअप के लिए है वो मैं यहाँ पे सेट करके रख देती हूँ। ये बैकअप का सामान है और खाने पीने का बॉल्स वगैरह का सामान है। उसके नीचे ही आप लोग देख सकते हो ये वाला जगह, ये जो स्पेस था ये खाली था अभी के लिए, तो खाली था, तो मैंने यहाँ पे पीयू का ये जो सोने का गद्दा है आप लोग देख सकते हो विथ मस्किटो नेट वाला, ये मैंने लिया था फास्ट प्राइस से, तो यहाँ पे मैंने अभी उसको रख दिया है क्योंकि अभी पीयू ये यूज नहीं कर रही है मेरी बेटी, तो इसलिए ये यहीं पे है अभी के लिए। और लास्ट में जो सेक्शन आता है, सेक्शन ये है, और ये वाला जो है ये वाला बुक्स एरिया है पीयू का, ये वाला पढ़ाई पीयू नहीं करती है, लेकिन हम लोग उसे कभी कभी ये वाला बुक्स दिखाते हैं क्योंकि बेबीज को अभी से अगर हम लोग बुक्स दिखाएंगे उनका जो डेवलपमेंट होता है मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होता है, ग्रोथ अच्छे से होता है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो देख रहे हो ग्रैंडपा टेल्स, जो कि स्टोरी बुक्स है, बहुत सारा आप लोग देख सकते हो कलरफुल बुक्स है, ये मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। और ये वाला जो है इस टाइप का कुछ मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है क्योंकि रात के टाइम हम लोग हमेशा से उसे स्टोरी सुना के
सुलाते हैं तो ये सब कुछ यहीं पे रहता है। और बैक साइड में आप लोग देख सकते हो कुछ छोटा छोटा उसका सामान है, कपड़ा वगैरह उसका है। और बैक साइड में भी उसका ये वाला जो मंथ्स वाला है उसका जो कार्ड होता है फोटोशूट के सामान, कुछ बैक साइड में मैंने इसे अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये था फुल मेरा बेबी का कबर्ड जो कि मैं पूरा से दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये था मेरा कुछ आइडियाज मेरा बेबी का वार्डरोब के बारे में जो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।